सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं लैपटॉप से मोबाइल को कैसे कंट्रोल करने, मींस लैपटॉप से कैसे मोबाइल की कॉल्स को रिसीव करने, कैसे नंबर डायल करने, कैसे मोबाइल की स्क्रीन मिररिंग करनी है, कैसे फाइल्स ट्रांसफर करनी है लैपटॉप से मोबाइल में एंड मोबाइल से लैपटॉप में। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो में लैपटॉप एंड मोबाइल की स्क्रीन को पैरेलल यूज करूंगा। सबसे पहले आपने मोबाइल से प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है डेल मोबाइल कनेक्ट। स्क्रीनोवेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से आपको ऐप मिलेगी। आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक कर लें। दोस्तों, यहाँ पे ऐप ओपन हो जाएगी। लैपटॉप में आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन एंड आई बटन में लगा रहा हूँ। अपने अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। सर्च बार में आपने सर्च करना है डेल मोबाइल कनेक्ट। दोस्तों, आपने इस ऐप को सिलेक्ट करना है। बॉटम पे आपको शो होगी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट शो हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आपने इन रिक्वायरमेंट्स को देख लेने। उसके बाद आपने यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर लेने। दोस्तों, जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, जैसी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, आप यहाँ पे भी लॉन्च कर सकते हो, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे भी यहाँ पे क्लिक करके ऐप को लॉन्च कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे ऐप लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड डेल मोबाइल कनेक्ट ऐप फॉर मोबाइल। दोस्तों, ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं मोबाइल में। नेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है बारकोड स्कैन करने की ऑप्शन। दोस्तों, आप इस बारकोड को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोड को भी यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि आपने बारकोड या फिर कोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपने यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कनेक्ट टू पीसी पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट टू पीसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो होगी स्कैन क्यूआर कोड की या फिर यूज कोड इंस्टेड। आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोड को एंटर कर सकते हो, या फिर आप स्कैन क्यूआर कोड की ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे मोबाइल को स्कैन कर लेगा तो बार कोड के थ्रू आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे आपने ओके पे क्लिक करना है तो एंड कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद अपने फाइल एक्सेस को भी अलाउ कर देना है। आफ्टर दैट आपने मैसेज को भी अलाउ कर देना है। दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी यहाँ पे टिक शो हो रहा है। उसके बाद आपने मैसेज को भी अलाउ कर देना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ ब्लूटूथ को भी अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पेयर पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। लिंक डेल कनेक्ट विद डेस्कटॉप, ओके पे क्लिक करना है एंड फिर से आपने ओके पे क्लिक कर देना है एंड नोटिफिकेशंस को आपने अलाउ कर देना है। फिर से आपने यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है एंड डन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी यहाँ पे मोबाइल एंड लैपटॉप एक दूसरे के साथ पेयर हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। आप लैपटॉप से इजीली मोबाइल को यूज कर सकते हो। दोस्तों, स्टार्ट वॉक थ्रू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो होगी, तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना एंड डन पे क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो गया। डैशबोर्ड में मैसेज शो हो रहा है एंड दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं एंड यहाँ पे साथ में फाइल्स भी शो हो रही हैं। अगर आप विजेट्स को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके विजेट्स को रिमूव कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आप डेस्कटॉप पे विजेट्स को ऐड करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप मैसेज के विजेट्स, स्क्रीन मिररिंग का विजेट, फाइल शेयरिंग का विजेट एंड नोटिफिकेशन का विजेट, यहाँ पे आप सभी विजेट को सेट कर सकते हो एंड किसी भी टाइम यहाँ से विजेट्स को रिमूव कर सकते हो। बॉटम पे आपके पास यहाँ पे आपकी डिवाइस का नेम शो हो जाएगा। आप किसी भी टाइम डिवाइस को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपलसरी नहीं है कि मोबाइल एंड लैपटॉप सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अभी यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से वाईफाई को डिसेबल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इंटरनेट का इनेबल होना जरूरी है।
दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटरनेट को इनेबल कर दिया है, मोबाइल डाटा को इनेबल कर दिया है, लेकिन वाईफाई को मैंने डिसेबल कर दिया है और मेरा लैपटॉप वाईफाई के साथ ऑलरेडी इनेबल्ड है। दोस्तों इस मेथड से आप दूर बैठ के भी मोबाइल के साथ लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल लैपटॉप के पास ही होना कंपलसरी है। उसके बाद आपने यहाँ बार्स पे क्लिक करने, थ्री बार्स पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो होगी डैशबोर्ड की, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो होगी नोटिफिकेशन की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो होगी कॉन्टैक्ट्स की, आप यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो होगी मैसेज की, तो आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको ब्लूटूथ की सेटिंग्स को इनेबल करना पड़ेगा, तो आपने अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ की ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, तो यहाँ पे सभी मैसेज सिंक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है फाइल्स की। दोस्तों अगर आप फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हो तो अपने फाइल्स को ट्रांसफर कैसे करना है, इस फाइल को लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आपने फाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल्स को आप लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हो। उसके बाद आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो कॉपी टू पीसी यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से आपके पीसी में फाइल्स कॉपी हो जाएंगी, तो इसी टाइप से आप वीडियोस को भी कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सेंटर पे क्लिक करके डाउनलोड, सेव एज, डिलीट, आई पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन एंड थ्री बार्स पे क्लिक करके आप ओपन, ओपन विद या फिर कॉपी भी कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लैपटॉप से कुछ डिलीट करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप से भी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। अपने फाइल्स को सिलेक्ट करना है एंड डिलीट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने फिर से डिलीट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आफ्टर दैट आपके मोबाइल पे ऑप्शन आएगी कि आप फाइल को डिलीट करना चाहते हो, तो आप मोबाइल से जैसे ही जैसे करोगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है अदर की, अदर के अंडर आपको पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने फोन में कॉपी करना चाहते हो तो आपने कॉपी टू फोन पे क्लिक करना है। कॉपी टू फोन पे क्लिक करने के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप फाइल को पिक करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस फाइल को फोन में कॉपी करना चाहता हूँ, उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों एक और भी मेथड है, आप ड्रॉप एंड ड्रैग के मेथड से भी मोबाइल में कॉपी कर सकते हो। उसके लिए आपने फाइल को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देना है। दोस्तों जैसे आप ड्रॉप करोगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप से कॉलिंग करना चाहते हो तो कैसे करना है। दोस्तों आपने अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास इस टाइप का मैसेज शो हो रहा है तो आपने फोकस असिस्टेंट सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने फोकस असिस्टेंट को ऑफ कर देना है, ऑफ करने के बाद आप कॉलिंग कर सकते हो। अभी मैं फिर से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही यहाँ पे नंबर डायल करोगे तो दूसरी तरफ आपके मोबाइल से भी नंबर डायल हो जाएगा, तो यहाँ पे शो रहा है कॉल इन प्रोग्रेस। दोस्तों यहाँ पे आप कॉल्स की डिटेल्स देख सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करके आप कॉल को कट कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो तो आपने यहाँ मिररिंग पे क्लिक करना है। मिररिंग पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिसेबल हो गई है, और यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से जो भी ओपन कर रहा हूँ वो सेम टू सेम लैपटॉप पे भी ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप ओपन करोगे सेम टू सेम आपके लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करने के लिए आपने अपने मोबाइल से यहाँ स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करना है, मोबाइल से। दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, या फिर आप अपने लैपटॉप से भी ऑफ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है सेटिंग पे, सेटिंग पे क्लिक करके आप किसी भी टाइम डिवाइस को डिसकनेक्ट कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन की ऑप्शंस को आप अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। इसी टाइप से आप मोबाइल्स की ऑप्शंस को भी यहां पे अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों अगर आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करके डिसकनेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा एंड फिर से आप स्कैन QR कोड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी किसी भी एप्लीकेशन क्रिएटर को क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।